सो गाइस हेलमेट अगर पहनते हो ना तो बाल इतने ज़्यादा बेकार हो जाएंगे। और ऑल्दो अभी सुबह का टाइम 11 बज रहे हैं और अभी बिठूर गए थे, एक्चुअली मैं बिठूर गया था क्योंकि मुझे अपने एडसेंस में लगाने के लिए स्विफ्ट कोड लेना था। जो बैंक मैनेजर था वो कहने लगा कि यहाँ मेरे पास तो नहीं है, आप कॉल कस्टमर केयर पर पूछ लो या मेन ब्रांच जो है माल रोड में है तो वहाँ जाके पूछ लो। सो अभी यहीं से निकल रहे थे, तो अभी फिलहाल है सुधांशु आश्रम के थोड़ा सा पास है, तो यहीं पे थोड़ा सा हमको चने की शॉप दिख गई। मतलब कि थोड़ा सुबह सुबह से हेल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, तो अभी बज रहा है 11 बजने वाला है, तो मैंने सुबह सब कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं चने का उबला हुआ। ये भाई जी साहब सुबह का जो नाश्ता होता ना, सुबह सुबह अगर ये खा लिया तो मतलब दिन, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरा मतलब दो दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा हेल्दी खाने के लिए बोला था और थोड़ी सी दवा वगैरह भी चल रही थी। सो इस इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करता हूँ, तो सुबह थोड़ा सा चना वगैरह या फल या फ्रूट खाता हूँ, तो ऐसा कुछ है माहौल। चुका है सुबह का नाश्ता और ये एंगल सेट किया है, बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। इससे थोड़ा सा बाइक का जो डायल है थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा, इसलिए ये वाला एंगल सेट किया है, तो आप बताना कमेंट में कैसा लगा ये वाला एंगल। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई साहब आज का व्लॉग जो होगा ना आतंक होने वाला, मतलब आज के व्लॉग में तो सभी का सीन कुछ ऐसा कि अभी दोपहर के बज रहे हैं, मतलब दोपहर नहीं अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं सुबह के, और अब भी भाई साहब हम जा रहे हैं हीरो के शोरूम, वहां से उठाते हैं बाइक को और बताते हैं क्या है स्पेसिफिकेशन पूरी, मतलब पूरा सीन बताएंगे। और जो बाइक होने वाली है ना, जो नया मेहमान है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र भी किया था, तो आज बेसिकली पूरा होने वाला है व्लॉग। तो चलो चलते हैं और देख सकते हो नताशा की मुंडी रह गई है, नीचे का पूरा धड़ गायब हो गया है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इसका एक नया गुच्छा लेना है बाइक का, ऐसा ही कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट देखते हैं क्या सीन होता है। और अभी मौसम में फिलहाल अच्छा है, ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा, मतलब समझ सकते हो मौसम बहुत अच्छा है। और एक्चुअली मैं हो क्या रहा था सीन की शोरूम पे गए थे बाइक का पूछने के लिए, तो बाइक शोरूम पे कह रहे थे कि बाइक आपको नहीं मिल सकती जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगी, तो नंबर प्लेट की वजह से थोड़ा सा ब्लॉक लेट हो गया। एंड चलो जो भी है जैसा भी है बहुत बढ़िया है, और चीज़ें अच्छी करनी चाहिए चाहे थोड़ा सा टाइम भले लग जाए। और आज है भाई साहब जन्माष्टमी, तो सभी भाइयों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो एक समय ऐसा भी था कि हम भी इस मतलब कि कृष्ण जी की जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाते थे, बट जैसे जैसे बड़े हो गए लाइफ में बिजी हो गए, तो ये सब चीज़ें छूटती जा रही हैं। और ऐसा कुछ है माहौल, मतलब आज के दिन हम रहते थे व्रत और करते थे रात को 12 बजे सिर्फ भोजन करते थे पूरा, मतलब रात को 12 बजे भोजन करते थे, और जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता था तो मतलब कि ये समझ सकते हो टोटली 20-25 घंटे का व्रत रखना पड़ता था। तो देख सकते हो ये शॉप्स लगी हुई हैं जन्माष्टमी की वजह से, तो बैक ऑन रोड धीरे धीरे लाइफस्टाइल आती रहेगी, यही है कुछ माहौल। ये खुल गया, ये बहुत ज़्यादा आराम हुआ इसको ओपन होने से, अब ज़्यादा इतना ज़्यादा हमको कट नहीं लेना पड़ेगा, यहीं से ले लेंगे लेफ्ट क्रॉसिंग से। ओ भाई साहब जाम तो तगड़ा लगा हुआ है, बट जाम है तो क्या हुआ, अपने को धीरे से निकालनी है।
जिस दिन मेट्रो बन गई ना तो इलाका इलाका चमक जाएगा। मेट्रो बन जाए और ये जो क्रॉसिंग है इसका बहुत बड़ा सीन है, मतलब जो ये सारी क्रॉसिंग पड़ती हैं, कल्याणपुर में पड़ती है, 12 नंबर पड़ती है, बगिया क्रॉसिंग पड़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब रावतपुर में, मतलब गर्जरी पे इतनी ज़्यादा पड़ती है, तो अगर ये क्रॉसिंग हट गई ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ये अपने कानपुर का माहौल। मतलब ये जो 15 किलोमीटर के अंदर गत जितनी भी ये जो क्रॉसिंग है ना, अगर ये जो चेंज हो जाए, इसका मतलब क्रॉसिंग क्या, ये जो रेल ट्रैक है, मतलब जो ट्रैक है इसको चेंज करने की सोच रहे हैं पनकी से दूर करने के लिए, मतलब मंधना से हटाकर मंधना से मोड़ देंगे पनकी के लिए, फिर पनकी से होते हुए जाएगा ये अनवरगंज या घंटाघर और वो ऑल दो पनकी तक जाएगा, फिर वहाँ से रूट चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से जो मतलब ट्रेन वगैरह निकलती हैं, पॉल्यूशन तो मान लो नहीं होता इतना, बट जो ट्रैफिक लगता है भाई साहब, जोरों का ट्रैफिक लगता है। A few moments later. 27 heart साहब, ये है हमारी एक्स पल्स 200 हीरो की तरफ से, ये सबसे बेस्ट भाई साहब, मतलब एकदम बजट फ्रेंडली बाइक होने वाली है, जो कि भाई साहब एडवेंचर चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनका बजट नहीं 3-4 लाख जा पा रहा है, नहीं हिमालयन ले पा रहे हैं, नहीं वो KTM की एडवेंचर ले पा रहे हैं, तो भाई साहब एक्स पल्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है उन भाइयों के लिए जो कि राइडिंग करना चाहते हैं, ट्रेवलिंग करना चाहते हैं। तो आज हम इस बाइक का मतलब कि टोटल रिव्यू देंगे भाई साहब, क्या ब्रॉड हैंडल है, मतलब ऊंची भी है और इसका वेट बताएंगे, मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन देंगे। तो चलो पहले राइड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या पूरा सिनेरियो रहता है। सब देख सकते हो क्या हैंडल है भाई साहब, कंसोल भी देख सकते हो, मीटर कंसोल भी, क्या ट्रिप वगैरह भी सब कुछ लगा रखा हुआ है। भाई साहब क्या एडवेंचर बाइक है, अगर आप ये सोच लो कि लद्दाख इस पर चले जाओ ना, एक नंबर की बजट फ्रेंडली बाइक है ना, कहते हैं ना हार्ट सेज क्या कहता है टाइगर, और माइंड सेज क्या कहता है एडवेंचर या हिमालयन, बट बजट सेज ये हीरो की एक्स पल्स 200 cc, तो भाई साहब एक नंबर की बाइक है। जो फील है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ऊँची भी है, ऊँची तो ही है, और भाई साहब हैंडलिंग एक नंबर है, देख सकते हो हैंडलिंग बहुत अच्छी, हैंडलिंग एक नंबर हैंडलिंग है। भाई साहब एक नंबर की बाइक, मतलब मीटर कंसोल भी इतना ज़्यादा लुक वाइज एकदम सेक्सी है, मतलब एक नंबर बाइक है। ये सोच लो अगर आप कम बजट में बाइक, कोई भी बाइक ढूंढ रहे हो ना, इससे अच्छी बाइक आपको नहीं मिलेगी, एक नंबर की बाइक है। मतलब थोड़ा बहुत सा मोड्स कराने पड़ेंगे आपको, एसरीज वगैरह थोड़ी बहुत लगवानी पड़ेंगी। ये मान लो अगर ये बाइक लेते हो तो एसरीज लगा कर आपको मतलब 20-30 हज़ार रुपये का एक्सरीज पड़ेगी। अगर आप पैनल्स वगैरह बढ़िया लगाओगे तो ये मान लो कि आपकी बाइक टोटल अप्रॉक्स 2 लाख रुपये की पड़ जाएगी। क्या बाइक है भाई साहब, आतंक है आतंक। मतलब कि स्पोर्ट बाइक की तरह इसका पिकअप नहीं है, बट जो भी है जैसी भी है एडवेंचर के हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है। पोस्चर भी इतना ज़्यादा सेक्सी है इसका, कुछ कहने को नहीं। A few moments later. तो भाई साहब देख सकते हो मतलब कि कम बजट में, मतलब कि जो भाई साहब है ना, जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए जो कि ढूंढ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली
एक लाख या डेढ़ लाख के बीच में कोई भी बाइक अगर आप ढूंढ रहे हो एडवेंचर के हिसाब से, तो सबसे बेस्ट होने वाली है बाइक। मतलब कि अगर आपका बजट ये समझ लो डेढ़ लाख के आसपास है ना, तो इस बाइक के अलावा अगर आप कोई भी बाइक सजेस्ट करोगे तो बेकार है। पानी कम सारी बाइकें होने वाली हैं। और इस बाइक का सबसे बेस्ट फीचर क्या है ना, 200cc है। 200cc बाइक इतनी सस्ती आपको नहीं मिलेगी किसी भी एडवेंचर सेगमेंट में। अगर आप 200cc की बाइक तो पहली बार मिलेगी नहीं, जो 390cc की आती है एडवेंचर KTM की तरफ से, वो भी अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए की बैठेगी। एंड अगर ऑल्सो ये समझ सकते हो कि हिमालयन भी 2.5-3 लाख रुपए के आसपास बैठ जाएगी। अगर आप एसेसरीज लगवाओगे तो काफ़ी महंगी बैठने वाली। जो इसके भाई साहब बिल्ड क्वालिटी है ना, जो ये फ्रेम, मतलब ये जो इसका हेड लैम्प है देख सकते हो, ऐसे कुछ डिज़ाइन है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप पैनल्स लगवाते हो अपनी बाइक में, इसका एग्जॉस्ट भी देख सकते हो, एग्जॉस्ट थोड़ा सा ऊपर है। पैनल्स लगवाने पे सबसे अच्छी बाइक निकलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कैटलेटिक कन्वर्टर भी लगा है, तो इसका एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा आता है। और देख सकते हो ये, मतलब ये समझ सकते हो कि हमने कंसोल ऑन किया, मीटर कंसोल, तो साइड स्टैंड का इसमें भी दिखा देगा, मतलब सबसे बेस्ट फीचर है। एंड यहाँ से इग्निशन ऑफ करेंगे तो यहाँ से डिटेल वगैरह बंद हो जाएंगी, फिर लिखा क्लिक ये सब किया तो यहाँ से सारे डिटेल आ जाएंगे, ट्रिप वगैरह और कितनी किलोमीटर चल चुकी है। और तो ये अभी चल चुकी है 446 किलोमीटर चल चुकी है। सो आज की वीडियो बस इतनी ही होने वाली है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ की कुछ फोटोज़ मिलेंगी, हम वहाँ पे कुछ आपको कंटेंट दिखाएंगे, स्टोरी वगैरह अपडेट देते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यूट्यूबर कनपुरिया निखिल, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हो, और लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट बताना आपको ये बाइक कैसी लगी, और भी कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट में बता सकते हो, कुछ भाई से बात मतलब शेयर करनी है तो अच्छी अच्छी बातें कमेंट में बोल सकते हो। सो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, ओके बाय।